हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्षार के रासायनिक गुण, यानी क्षार या बेस के क्या क्या रासायनिक गुण है, वह किस तरह अभिक्रिया करता है, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, पहला जो रिएक्शन है या पहला जो अभिक्रिया है वह है क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। बच्चों, आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। तो वहाँ भी आपने स्टडी किया होगा कि जब कोई भी अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो वह लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ इस अभिक्रिया में भी कोई भी क्षार यदि किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्षार सभी धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। क्षार कुछ विशेष धातु के साथ अभिक्रिया करके वह लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो बच्चों, हम लोग क्षार में सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। आप सभी को पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक प्रबल क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम लोग इसे प्रबल क्षार कहते हैं। क्यों प्रबल क्षार कहते हैं, क्योंकि यह जल में घुलकर यह पूर्ण रूप से हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो इसे हम लोग प्रबल क्षार के नाम से जानते हैं। और दुर्बल क्षार वह क्षार है जो पानी में घुलकर पूरी तरह से आयनित नहीं होता है और वह प्रचुर मात्रा में, वह अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न नहीं करता है, उसे हम लोग दुर्बल क्षार के नाम से या वीक बेस के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, आप याद कर लेना कि प्रबल क्षार वह क्षार है जो जल में आयनित होकर, जल में टूटकर अधिक से अधिक हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसे हम प्रबल क्षार कहते हैं। और वह क्षार जो जल में आयनित होकर या टूटकर बहुत कम हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसे हम लोग दुर्बल क्षार के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस रिएक्शन को देखें। तो यह प्रबल क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और जब यह जिंक से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है बच्चों, हम सभी जानते हैं कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो हाइड्रोजन गैस हम लोग पहले लिख लें और यहाँ पे हम लोग जी लिख दें, एरो का मार्क दे दें। तो बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखे हैं H2, तो यहाँ हाइड्रोजन के दो एटम हैं और यहाँ हाइड्रोजन के दो एटम नहीं हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हाइड्रोजन भी दो हो गया। अब क्या हो गया, अब एच भी, हाइड्रोजन भी दो हो गया, हाइड्रोजन के दो परमाणु हो गए, तो हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब क्या लिखेंगे, अब हमारा जो साल्ट बनेगा उसे हम लोग कहते हैं, ये बनेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, ठीक। तो बच्चों, ये जो फॉर्मूला है Na2ZnO2, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग सोडियम जिंकेट कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम, इसे हम लोग सोडियम जिंकेट, इसे हम लोग सोडियम जिंकेट के नाम से जानते हैं। तो हम लोग एक बार फिर से देख लें कि
क्या ये बैलेंस है कि नहीं, यहाँ सोडियम दो है, यहाँ भी सोडियम दो है, जिंक अकेला है तो जिंक अकेला है, ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, हाइड्रोजन दो है, तो ये संतुलित हो गया पूरा का पूरा रिएक्शन। तो बच्चों आप याद रखोगे कि क्षार धातु से यदि अभिक्रिया करता है तो वह लवण और हाइड्रोजन गैस भी देता है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप जरूर याद रखना कि सभी धातु क्षार से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं, ठीक है। कुछ खास धातु ही क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अम्ल में स्टडी किया था। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग दूसरा रासायनिक गुण स्टडी करेंगे। बच्चों हम लोग दूसरा जो गुण स्टडी करेंगे वह है क्षार की अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, यानी क्षार यदि किसी अधातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो हम लोग सबसे पहले इसका जनरल इक्वेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्षार प्लस अधातु ऑक्साइड, क्षार प्लस अधातु ऑक्साइड, ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं बच्चों, तो ये आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। लवण का मतलब साल्ट होता है। तो बच्चों इस अभिक्रिया में यदि हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, NaOH को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और यदि हम लोग किसी भी अधातु ऑक्साइड को लेंगे, तो मान लीजिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया है, और हम सभी जानते हैं कि कार्बन क्या है बच्चों, अधातु है, और इसमें O2 लगा है तो यह ऑक्साइड हो गया, तो यह कार्बन का ऑक्साइड है इसलिए यह भी अधातु ऑक्साइड हो गया। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी भी अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो यह लवण और जल बनाता है। तो बच्चों यह कौन सा लवण बनाएगा, आप याद रखिए जल बनाएगा, तो हमने यहाँ पे जल लिख दिया, H2O लिख दिया। अब बताइए इधर दो हाइड्रोजन है, ठीक है, और इधर एक हाइड्रोजन है, तो हम लोग क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक और मॉलिक्यूल ले लेंगे, तो उसको लेने से क्या होगा, हमारे पास वहाँ दो हाइड्रोजन निकल गए, एक ऑक्सीजन निकल गया, तो कितने बच गए, हमारे पास दो सोडियम बच गया, एक ऑक्सीजन बच गया, तो ये दो सोडियम और एक ऑक्सीजन इसके साथ मिल जाएंगे तो बना देंगे क्या बच्चों, Na2CO3, दो ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, दो और एक तीन हो गए और दो सोडियम। तो इस तरह से हम लोगों ने इस रिएक्शन को स्टडी किया, हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, ये समझाने के लिए आपको बताए थे बच्चों। तो ये क्या बना, ये जो साल्ट बना, ये जो लवण बना, इसको हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, क्या कहते हैं इसको हम लोग, सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि इसके दूसरे भाग में क्या लगा है, कार्बोनेट लगा है। तो बच्चों कार्बोनेट का जो आयन होता है, रेडिकल होता है, वो CO3 होता है, तो याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट बन गया और साथ साथ जल यानी H2O बन गया। तो अब हम लोग बैलेंस कर ले, यहाँ सोडियम दो है तो दो लगा देंगे, ऑक्सीजन भी दो हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन इधर दो हो गया और यहाँ दो, दो दो चार हो गया ऑक्सीजन, तो यहाँ भी ऑक्सीजन बैलेंस है, तीन ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन वहाँ है जल में, तो ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, कार्बन अकेला है, कार्बन अकेला है, तो हमारा रिएक्शन क्या हो गया बच्चों, बैलेंस हो गया। उसी तरह से यदि हम लोग बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हमारा एक इम्पॉर्टेंट बेस है, क्षार है, और इसे भी यदि कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराई जाए तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो लवण और जल बनेगा।
तो बच्चों यहाँ भी हम लोग पहले जल लिख दें, वाटर लिख लें, ठीक है। तो वाटर बन गया वहाँ पे H2O। तो अब क्या बनेगा, यहाँ देख लीजिए बच्चों, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कैल्शियम है तो यहाँ एक OH दूसरा OH, ठीक है। इस तरह से हम लोग समझने के लिए लिखते हैं। तो एक दो हाइड्रोजन वहाँ चला गया है ना, दो हाइड्रोजन वाटर में चला गया, एक ऑक्सीजन उधर चला गया, तो कितना बच गया, एक कैल्शियम और एक ऑक्सीजन बच गया। तो यह ऑक्सीजन एक इसके साथ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, CaCO3। तो जो साल्ट बनेगा वो हो जाएगा CaCO3, यानी यह क्या कहलाएगा, उसको हम लोग कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहेंगे, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट कहेंगे। CaCO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसे हम लोग जल या वाटर के नाम से जानते हैं। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों।